तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राज्य सरकार। जैसे पिछले अध्याय में हमने केंद्र सरकार के बारे में पढ़ा, उसी प्रकार से विभाग में संघात्मक शासन व्यवस्था। तो जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार कार्य करती, उसी प्रकार से हम देखें कि भारत की जो इकाइयां हैं या जिनको हम राज्य कह सकते हैं, उनके अंदर प्रत्येक राज्य या प्रत्येक प्रांत के अंदर राज्य सरकारें होती हैं। जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार कार्य करती है, उसी प्रकार से हम देखें प्रत्येक राज्य के अंदर संविधान के द्वारा राज्य सूची के जो विषय होते हैं उनके ऊपर राज्य सरकारें हैं वो अपने कार्यों को संपादित करती हैं। अब हम बात करें राज्य सरकार। तो जैसे हमने सरकार की बात की तो वही बातें, सरकार के तीन अंग। तो जिस तरह केंद्र स्तर पर तीन अंग होते हैं, उसी प्रकार से हम देखें राज्य स्तर पर भी सरकार के तीन अंग। अब हम देखें कि राज्य विधान जो मंडल है, राज्य जो विधान मंडल है उसका गठन है तो संविधान के अनुच्छेद 168 में किसका प्रावधान किया गया है, प्रत्येक राज्य के अंदर एक विधान मंडल का गठन होगा। अब हम देखें राज्य विधान मंडल है तो जिस तरह संसद के दो अंग है, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार से हम देखें कि विधानमंडल, तो भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें क्या है, सिर्फ राज्यपाल और विधानसभा से विधानमंडल बनता है, जबकि भारत के अंदर सात राज्य ऐसे हैं जिनमें क्या है, द्वितीय सदन, जिस तरह संसद में राज्यसभा है उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल के अंदर क्या है, विधान परिषद है। तो जिन राज्यों में एक सदन है, जिन राज्यों में एक सदन है वहां के राज्य विधानमंडल में सिर्फ क्या है, राज्यपाल और विधानसभा, और जिन राज्यों में त्रिसदनात्मक विधानमंडल है उनमें क्या है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, इन तीनों से मिलकर विधानमंडल का गठन होता है। अब हम देखें कि हमारी जो इकाइयां, जो राज्य हैं, तो हम देखें जैसे उत्तर प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ये सात जो राज्य हैं इनमें क्या है, द्विसदनात्मक के विधानमंडल पाए जाते हैं। तो इन सात राज्यों में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, इनसे मिलकर किसका गठन होता है, विधानमंडल का गठन होता है। तो अनुच्छेद 168 को हमें याद रखना है, वे राज्यों के अंदर विधानमंडल का गठन का प्रावधान है वो संविधान के किससे, अनुच्छेद में किया गया। तो अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल का गठन कैसे होता है, इसमें कौन कौन शामिल होता है, तो जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है, उसी प्रकार से देखें कि राज्य विधानमंडल का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, राज्यपाल होता है। इसके बाद हम देखें जहां पर एक सदन है वहां पर सिर्फ विधानसभा होती, और जिन राज्य में द्वि सदन है वहां पर विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर विधानमंडल का गठन होता है। बात कैसे, कौन कौन से राज्य है जिनमें द्विसदनात्मक विधानमंडल पाए जाते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, आंध्र और तेलंगाना। अब हम बात करें विधानसभा का गठन, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम सदन की, विधानसभा की। अब हम देखें कि जो स्थिति संसद में, जो स्थिति संसद में लोकसभा की है वो स्थिति राज्य में किसकी है, विधानसभा की, क्योंकि ये राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन होता है, निम्न सदन है होता है, जनता का प्रतिनिधि सदन है भी इसको हमें कह सकते हैं। तो राज्य विधानसभा है तो उसकी स्थिति किसके समकक्ष है, राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थिति लोकसभा की है, संसद में जो स्थिति लोकसभा की है, एक राज्य के विधानमंडल में वो स्थिति किसकी होती है, विधानसभा की होती है। अब हमारे संविधान के अनुसार जैसे हम अपने राज्य की बात करें, राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में क्या है, राज्य हमारा जो राज्य है तो उसमें सिर्फ क्या है, एक सदनीय व्यवस्था है, हमारा जो विधानमंडल है उसमें एक ही सदन है जिसको हमें विधानसभा के नाम से जानते हैं, और हमारे राज्य की विधानसभा में कितने सदस्य हैं, 200 सदस्य हैं जिनको हमें विधायक कहते हैं। अब हम देखें कि संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा का गठन, अब हम देखें अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 170 में क्या प्रावधान किया गया है, प्रत्येक राज्य के अंदर एक विधानसभा होगी। अब इसमें हम देखें
अधिकतम व न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई। कि कोई भी राज्य अधिकतम किसी भी राज्य की विधानसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं, 500 सदस्य हो सकते हैं, जबकि अगर न्यूनतम की हम बात करें तो कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं, 60 सदस्य हो सकते हैं। अब हम देखें कि 560 अधिकतम व न्यूनतम सदस्य संख्या वो निर्धारित की, लेकिन इसमें आधार किसको माना गया है, जनसंख्या को माना गया है। किसको आधार माना गया है, जनसंख्या। तो विधानसभा का जो सदस्य होता है जिसको हम विधायक कहते हैं, कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, वो 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो मतलब जनसंख्या के आधार पर जो निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए उस निर्वाचन क्षेत्र का आधार क्या रखा गया, भी एक जो सदस्य है वो कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। तो दूसरी दो बात थी विधानसभा का गठन। तो विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, 170 के तहत। विधानसभा की सदस्य संख्या अधिकतम 500, न्यूनतम 60, कम से कम एक सदस्य वो कितने जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है, 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है। दूसरी बात है स्थान या आरक्षण। अब हम देखें जिस तरह हमारे राज्य की विधानसभा है जिसमें 200 सदस्य, अब इसमें क्या है, आरक्षण की व्यवस्था की गई। किसकी व्यवस्था की गई, आरक्षण। ये अनुसूचित जाति है, जनजाति है, महिलाएं हैं, इनको के जो स्थान है वो निश्चित है। तो हमारे संविधान के तहत 95 संविधान संशोधन जो 2009 में किया गया, तो इस प्रावधान को 2000 वर्तमान तक हम देखें, 2020 तक हम देखें, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए स्थान वो आरक्षित थे के। और हम देखेंगे समय समय पर संविधान में संशोधन होकर इस आरक्षण व्यवस्था को क्या है, आगे बढ़ा दिया जाता है। निर्वाचन पद्धति, अब हम देखें भाई विधानसभा में कौन सा सदन है, प्रथम सदन, या जिसको हम जनता का प्रतिनिधि सदन भी कह सकते हैं। अब निर्वाचन जो पद्धति है, तो जो पद्धति लोकसभा की है वही पद्धति किसकी है, राज्य विधानसभा की है, क्योंकि इसके जो सदस्य हैं वो किसके द्वारा चुने जा रहे हैं, जनता के द्वारा चुने जा रहे। तो इनका जो निर्वाचन है वो वैश्विक मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष विधि से किया जाता है, मतलब जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है वो मतदान के माध्यम से विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जैसे प्रत्येक 5 वर्ष बाद हम देखें विधानसभा के चुनाव होते हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन है वो आम जनता के द्वारा किया जाता है। योग्यताएं, अब विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो जैसे हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा, राज्यसभा के बारे में पढ़ा, राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ा, तो हम देखें कि सभी के लिए योग्यताएं क्या है, एक सम्मान है, सिर्फ अंतर क्या आता है, आयु का आता है। जैसे हम कह सकते हैं भाई अगर विधानसभा की योग्यता की हम बात करें तो जो योग्यताएं लोकसभा के लिए होती हैं वो योग्यताएं किसके लिए होती हैं, विधानसभा के लिए होती हैं। जैसे वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, किसी भी राज्य या केंद्र के लाभकारी पद पर वो नियुक्त नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ वो किसी न्यायालय के द्वारा दिवालिया या पागल घोषित नहीं किया गया हो, उसके ऊपर आपराधिक प्रवृत्ति के कोई मुकदमे दर्ज न हो या न्यायालय के द्वारा उसको अपराधी घोषित नहीं किया गया। ये सब क्या होती है, एक विधानसभा सदस्य बनने के लिए योग्यताएं निर्धारित की। जो व्यक्ति इन योग्यताओं को पूरा करता है वो विधानसभा के चुनाव में लड़ता है, विधानसभा का सदस्य बने सकता है। अब हम बात करते हैं सदस्यों की सदस्यता का अंत। जैसे विधानसभा के जो सदस्य जो हमारे द्वारा चुने जाते हैं, अब हम देखें कि संविधान के अनुसार इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष निर्धारित है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी इनकी सदस्यता का अंत हो सकता है, तो उसमें विशेष रूप से 3 बातें हैं। कितनी बातें, 3 बात। जब कोई विधानसभा का सदस्य अगर विधानसभा अध्यक्ष को 60 दिन तक बिना कोई सूचना दिए अगर वो अनुपस्थित रह जाता है, मतलब विधानसभा में अगर वो विधानसभा की जो बैठकें होती हैं उनमें वो भाग नहीं लेता है और लगातार अगर वो 60 दिन तक विधानसभा में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता का क्या लगता है, अंत हो जाता है। दूसरा,
मान लो कोई भी सदस्य है, वो विधानसभा का भी सदस्य है या फिर वो संसद का भी सदस्य बन जाता है, मतलब दोनों का एक साथ सदस्य बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे क्या करना पड़ता है, किसी एक से त्याग पत्र देना पड़ता है, या तो उसको विधानसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ती है, या फिर उसको विधान परिषद या फिर वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य, तो उसकी सदस्यता से उसे त्याग पत्र देना पड़ता है। तीसरी जो बात है, जिस समय उसको चुना जाता है तो उसके लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की जाती है, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कुछ योग्यताएं। अब निर्वाचित होने के बाद अगर उसमें जो योग्यताएं या जो मापदंड निर्धारित किए, अगर वो उन मापदंडों के अनुसार उसमें कोई अयोग्यता पैदा हो जाती तो ऐसी स्थिति में भी उसे क्या करना पड़ता है, अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। तो इसमें विशेष रूप से जैसे इस अध्याय में देखें, दो नंबर का क्वेश्चन आता है, छह नंबर का क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन आते हैं, एक दो नंबर का आता है, एक छह नंबर, दो नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, राज्य विधानसभा की सदस्यता क्या अंत कैसे किया जा सकता है, कोई दो कारण बताओ। तो इसमें हम बता सकते तीन बातें हैं, 60 दिन तक है, अगर वो बिना कोई सूचना दिए या विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना लगातार अनुपस्थित रह जाता है तो उसे अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देना पड़ता है, दोनों सदनों का एक साथ सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। कार्यकाल, अब हम देखें कि संविधान के अनुसार विधानसभा के जो सदस्य है उनका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया, लेकिन हम देखें 5 वर्ष से पूर्व भी क्या है, विधानसभा को भंग किया जा सकता है, क्योंकि एक स्थायी सदन है नहीं, जैसे लोकसभा में हमने देखा राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है या उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। उसी प्रकार से राज्य के अंदर यह अधिकार किसके पास है, राज्यपाल के पास है, मतलब राज्यपाल क्या कर सकता है, विधानसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है अगर उस राज्य की मंत्रिपरिषद या वहां का जो मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल को ऐसी सलाह दे। दूसरी बात हम देखें, जैसे हम देखें 352 आपातकालीन व्यवस्था होती है, अगर देश में आपातकाल की स्थिति है 352, 56 या 60 तो ऐसी स्थिति में संसद को भी क्या अधिकार है कि वो विधानसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, कितने वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, 1 वर्ष के लिए आपातकाल की स्थिति में इसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। जब 1 वर्ष का समय हो जाता है तो उसके बाद 6 माह के अंदर क्या है, विधानसभा का जो गठन है वो आवश्यक होता है। पदाधिकारी, अब हम देखें किसी भी सदन को चलाने के लिए एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष की हमें आवश्यकता होती है, तो इसी प्रकार से विधानसभा का सफल संचालन हो, शांतिपूर्ण तरीके से इसके अधिवेशन हो, बैठक हो, शांति व्यवस्था बनी रहे, हर सदस्य अपने विचार रख सके, तो उसके लिए सदस्यों के द्वारा क्या किया जाता है, विधानसभा जिस तरह राजस्थान के 200 विधानसभा सदस्य है वो अपने में से क्या करते हैं, एक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, तो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुने जाते हैं। अब हम देखें कि इनका कार्यकाल भी क्या है, 5 वर्ष है, जब तक विधानसभा का कार्यकाल है तब तक क्या है, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्यकाल, लेकिन अगर ये अपनी इच्छा से त्याग पत्र देना चाहते हैं तो हम देखें कि अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है किसको देता है, उपाध्यक्ष को देता है, तो समय से पहले मान लो अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो वो किसको देगा, उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है, अध्यक्ष को देता है, या फिर समय से पूर्व अगर विधानसभा के सदस्य इनको टाला चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, विधानसभा में 14 दिन पहले प्रस्ताव लाया जाता है और उस प्रस्ताव की सूचना इनको देनी होती है, वो प्रस्ताव अगर 2/3 बहुमत से विधानसभा में पारित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को समय से पूर्व त्याग पत्र देना पड़ता है। तो ये थी हमारे राज्य की विधानसभा का गठन व प्रावधान, एक विधानसभा का गठन है कैसे होता है, उसकी सदस्य संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, न्यूनतम कितनी हो सकती है, उसमें आरक्षण की व्यवस्था कैसे होती है, विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी निर्वाचन पद्धति कैसी है, उनका कार्यकाल क्या है, उनकी योग्यताएं क्या है, उनकी सदस्यता का अंत कैसे किया जा सकता है, वह इसके अंदर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है, उनका कार्यकाल कैसे होता है, उनको समय से पूर्व कैसे हटाया जा सकता है। अब हम देखें राज्य विधानसभा, तो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष लगभग इसके ऊपर 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, अगर आप राज्य विधानसभा के
अध्यक्ष हो तो आप किन शक्तियों का उपयोग करोगे, या राज्य विधानसभा अध्यक्ष की कोई दो शक्तियों का या दो कार्यों का उल्लेख कीजिए। अब हम देखें राज्य जो विधानसभा है उसका जो अध्यक्ष है उसका प्रथम कार्य क्या है। हम देखें कि राज्य विधानसभा है उसकी जो बैठक होती है उसकी जो अधिवेशन होते हैं उनकी अध्यक्षता कौन करता है, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष करता है। राज्य विधानसभा में शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा की कार्यवाही का संचालन हो या राज्य विधानसभा में शांति व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेवारी भी किसकी होती है, विधानसभा अध्यक्ष की होती है। तीसरी बात, विधानसभा के जो सदस्य हम देखें उसमें पक्ष भी होता है विपक्ष भी होता है, मतलब हर सदस्य है वो विधानसभा में अपने विचार रखना चाहता है अपने क्षेत्र की समस्याएं रखना चाहता है, लेकिन सदन में अगर वो भाषण देता है तो उससे पहले उसे किसकी अनुमति आवश्यक है, विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा अनुमति देने के बाद ही कोई सदन का कोई भी सदस्य है वो सदन के अंदर अपना भाषण या अपने विचार रख सकता है, उसकी अनुमति के बिना वो अपने विचार नहीं रख सकता। चौथी बात है सदन की कार्यवाही का क्रम निश्चित करता है, विधानसभा अध्यक्ष है तो प्रतिपक्ष या विपक्ष के जो नेता उसके आधार पर ही क्या करता है सदन की कार्यवाही का क्रम निर्धारित करता है, किस सदस्य को कब बोलना है किस विषय पर बोलना है उसको कितना समय देना है, ये सारी जो चीजें वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित की जाती है। पांचवी बात हम देखें विधानसभा में हर सदस्य के द्वारा अपने प्रश्न रखे जाते हैं जिनके ऊपर वो सदन में विचार करना चाहते हैं। अब हम देखें कि उन प्रश्नों को स्वीकार करना अस्वीकार करना ये सब किसका कार्य है, अध्यक्ष का कार्य। मतदान के पश्चात परिणाम की घोषणा करता है। अब हम देखें कि विधानसभा में कोई भी विधेयक है पक्ष और विपक्ष उसके ऊपर मतदान करते हैं, अब हम देखें कि अध्यक्ष को मत देने का अधिकार है नहीं है, मतदान की प्रक्रिया में वो भाग नहीं ले सकता, लेकिन जो मतदान होता है उस मतदान के पश्चात परिणाम की घोषणा कौन करता है, अध्यक्ष करता है। अब हम देखें कि कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि सम्मान मत किसी भी देश के ऊपर सम्मान मत है वो प्राप्त हो जाते हैं पक्ष और विपक्ष को, ऐसी स्थिति में निर्णायक जो मत होता है वो किसका होता है, अध्यक्ष का होता है, मतलब ऐसी स्थिति में अध्यक्ष को मत देने का अधिकार प्राप्त होता है, अगर दोनों को सम्मान मत प्राप्त होते हैं तो उसका जो निर्णय है वो किसके आधार पर होगा, अध्यक्ष जिसके पक्ष में मतदान करता है उसके आधार पर होता है। धन विधेयक, अब हम देखें दो प्रकार के विधेयक, एक को अमित विधेयक या धन विधेयक कहते हैं, साधारण विधेयक कहते हैं। अब विधानसभा के अंदर कोई भी विधेयक रखा जाता है वो धन विधेयक है या नहीं उसकी पुष्टि या उसको प्रमाणित कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष से करता है, मतलब विधानसभा अध्यक्ष ही किसी वित्त विधेयक को रखवाता है उसके साथ साथ उसको पुष्टि या उसको प्रमाणित करता है कि वित्त विधेयक है या नहीं, दल बदल याचिका पर निर्णय देता है। अब हम देखें कई बार राज्यों के अंदर देखें दल बदल की स्थिति आ जाती है जिसे सरकारें पलटे जाती है, तो दल बदल की जो याचिकाएं होती हैं उनके ऊपर भी निर्णय कौन देता है, विधानसभा अध्यक्ष से देता है। तो ये था एक राज्य की विधान सभा या राज्य का विधानमंडल, तो राज्य का विधानमंडल है उसका गठन कैसे होता है, संविधान के अनुच्छेद 168 में इसका प्रावधान है, जिन राज्यों में एक सदन है वहां पर सिर्फ क्या राज्यपाल और विधानसभा, जहां पर दो है वहां पर इसका दूसरा अंग है वो कौन सा है, विधान परिषद। अपने राज्य की हम बात करें राजस्थान की अगर हम बात करें तो सिर्फ क्या है एक सदनीय व्यवस्था है, तो राज्यपाल और विधानसभा। अब विधानसभा मतलब जो स्थिति केंद्र में लोकसभा की वो स्थिति एक राज्य के अंदर किसकी है, विधानसभा की, क्योंकि प्रथम सदन है जनता का प्रतिनिधि सदन है। गठन की प्रक्रिया आरक्षण निर्वाचन पद्धति योग्यता कार्यकाल सदस्यों की सदस्यता का अंत पदाधिकारी और विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किए जाने वाले कार्य, तो ये हमारा एक टॉपिक है पूरा हुआ विधान सभा। अब इस अध्याय या इस टॉपिक के ऊपर हम देखें लगभग दो क्वेश्चन आते हैं इस अध्याय में से, एक दो नंबर का क्वेश्चन होता है एक छह नंबर का क्वेश्चन होता है। अब जैसे इसमें से दो नंबर के क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं, जैसे सबसे पहले मैं आपसे पूछ सकता हूँ राज्य भारत के अंदर ऐसे राज्य कौन कौन से हैं जिनमें द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका उनके नाम है लिखो, या राज्य विधानसभा के अधिकतम व न्यूनतम सदस्य संख्या बताइए, या फिर राज्य विधानसभा की सदस्यों की सदस्यता का अंत कैसे किया जा सकता है,
या फिर राज्य विधानसभा अध्यक्ष के कार्य शक्तियां बताइए। इसी प्रकार से बड़ा प्रश्न आ सकता है, इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन, विधानसभा के गठन की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए।